दो, मेरे बच्चे निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। पूरे नूर पर मैं जानकारी ले लो। हर कोई कहता मैंने बस दुकान और दुकान से घर, दुकान दुकान से घर, और कहीं जाते ही नहीं बच्चे। महीनों महीनों मुरादार, हमने तो उनका नाम ही छोड़ दिया था। उन्होंने कहीं कैफे छोड़ दो, हमने कैफे छोड़ दिया, नुकसान बन लिया। मेरा नाम डॉक्टर दीपिका गोयल, वाइफ ऑफ हिमांशु गोयल। सर, मेरे हस्बैंड को और मेरे देवर को, दोनों को एक झूठे मर्डर केस में फंसाया गया है, जिसकी जो जानकारी है हमें वो भी रात को मिली जब पुलिस हमारे घर आई थी। उन्होंने बताया कि इन पर चार्जेस लगाए हैं, FIR दर्ज की है इन दोनों के नाम से, इन्होंने एक मर्डर किया है। तब हमें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। सर, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। जो चीज़ उन्होंने, जो क्राइम उन्होंने कमिट ही नहीं किया है, उसकी सज़ा उन्हें मिल रही है। पहले पुलिस लेके गई, पुलिस ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद हमने पूछा कि कब तक इन्हें यहाँ रखा जाएगा, तो उन्होंने बोला कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बस एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करे पुलिस, जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उन्हें सामने लाए और उन्हें रिलीज़ करे। बस एक फेयर जस्टिस चाहिए हमें सर, और कुछ नहीं चाहिए। वो क्लियर है बिल्कुल, फंसाया जा रहा है उन्हें। जब वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो जाके मर्डर कैसे कर सकते हैं? जो FIR उनके फादर ने उनके नाम से दर्ज की थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे बेटे ने मरते समय मुझे बताया कि प्रांशु ने गोली चलाई, हिमांशु उसके साथ बैठा हुआ था, वो दोनों गोली मारकर बाइक से भाग गए। ये जो स्टेटमेंट है उनके बेटे ने उनके फादर को दी थी। कोई इंसान जिसको गोली लगी है पीछे से, वो कैसे कोई स्टेटमेंट दे सकता है? बीइंग अ डॉक्टर, मुझे पता है जब गोली सर में लगती है इंसान का बचना मुश्किल होता है, वो स्टेटमेंट दे रहा है। मेरे हस्बैंड शॉप 7:15 उन्होंने बंद की, वो घर पर आए। मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनकी शादी है 23 जनवरी की, उसकी तैयारियां चल रही थी, घर में डांस प्रैक्टिस हो रही थी, वो लोग उस समय वहीं पे थे मेरे साथ, हमारा पूरा परिवार, सब लोग साथ में थे। मैं पुलिस को कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, अभी भी कोऑपरेट कर रही हूँ, बाद में भी कोऑपरेट करूँगी। बस उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, जब उन्होंने वो जुर्म किया ही नहीं है, तो उन्हें जल्द से जल्द बस रिलीज़ करें। आप लोगों के माध्यम से बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करें वो लोग। कुशांग गुप्ता हैं ये, मुरादाबाद के रहने वाले। उनका कत्ल हुआ है 12 तारीख की रात को। उस केस के अंदर उनके पिता ने, किस कारण से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके मेरे बेटों के नाम हिमांशु और प्रांशु के नाम जो है नामजद मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि मेरे दोनों बेटे निर्दोष हैं। हम सारा परिवार जो है उस टाइम पर एक साथ घर पर उपस्थित थे, उसके साक्ष्य प्रमाण हमारे पास हैं। हमारा DVR भी जो है वो पुलिस लेकर आई है, वो उनके पास अभी भी मौजूद है जी। हमने, क्योंकि पुलिस मुझे भी साथ ले आई थी, तो मेरी पत्नी और मेरी जो पुत्रवध हुए हैं हिमांशु की मिसेज, वो दोनों कमिश्नर साहब से और DIG साहब से मिले, SSP साहब से मिले, तो उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, हम इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन आशा अनुरूप बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमारा भी क्वेश्चन यही है कि जब उन्होंने इस तरीके से कहा कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं, तो उसके बाद उसी दिन उनको जेल भेजना क्यों ज़रूरी हो गया? क्या कारण है, किस चीज़ को बचाना चाह रहे हैं, परिवार हो या कोई? लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।